सो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का टेक मित्र यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ईयरबड्स, यानी कि ये जो रियलमी का नेक बैंड है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। और यहां पर मेरे हाथ में है इसका बॉक्स, देख सकते हैं आप, ये रियलमी का जो है नेक बैंड है। और इसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इसको मैंने काफ़ी दिनों तक यूज़ करा है एंड यूज़ करने के बाद मैं आपको एक क्विक रिव्यू वीडियो ये आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप सबको पता चल सके। अगर आप भी परचेस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख लो एंड इसके बाद ही परचेस करो। सो ये है बॉक्स, और बॉक्स के ऊपर कुछ यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैग्नेटिव कंट्रोल, यानी कि जो मैग्नेट यहाँ पे लगा हुआ होता है इसके बट्स में, ये मैग्नेटिव कंट्रोल है। एंड 11.2 mm बास बूस्टर एंड 12 घंटे का प्लेबैक इसमें मेंशन है डिब्बे के ऊपर, आप देख सकते हो इमेज में। एंड फ्लेक्सिबल नेकलेस, ये नेकलेस होता है इसका, ये जो इधर साइड लगा होता है आपके नेक की तरफ। एंड ब्लूटूथ 5.0 का वर्जन है एंड स्वेट प्रूफ है, यानी कि अगर आप जिम वगैरह करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, पसीना वसीना चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मेंशन दिया हुआ, देख सकते हो आप इस तरीके से कुछ। एंड अगर हम बॉक्स को खोलें तो बॉक्स के अंदर से मैंने नेक बैंड को निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक बैंड होता है एंड एक डेटा केबल इसकी होती है, जिससे कि आप चार्ज कर सकते हो। एंड ये रहा वो नेक बैंड, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैंने इसको लगा रखा है, मैंने काफ़ी दिनों तक इसको यूज़ करा है एंड इसके बाद ओके, तो मैंने नेक बैंड को निकाल लिया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके का नेक बैंड है, काफ़ी अच्छा स्लीक और रियलमी की ब्रांडिंग यहाँ पर दी हुई है। साथ में अगर यहाँ पर बट्स पर देखो आप, तो यहाँ पर भी रियलमी लिखा हुआ होता है। एंड इसको मैं भी बंद रखता हूँ। एंड इसकी अगर मैं बात करूं बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम फील देती है। अगर आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो आपका बैंड है, ये भी काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी यूनिक है, बढ़िया है। और यहाँ पर कान में लगाओगे तो कान में भी काफ़ी अच्छा ये महसूस होता है, यानी कि आपको काफ़ी कम्फर्ट मिलता है इसको अगर आप लगाओगे अपने कान में, तो ऐसे चुभन वगैरह नहीं होती है, काफ़ी ठीक ठाक होता है। एंड अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूं, तो बैटरी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। लगभग अगर आप यूज़ करोगे तो 3 से 4 दिन तक इसकी बैटरी, एक बार 100% चार्ज करने के बाद कंटिन्यूसली इसको आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ट्रैवलिंग करते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, जिम वगैरह जाते हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा नेक बैंड ये जो है। इसको मैंने गाइस ऑर्डर किया था मीशो से, लगभग मुझे 2500 रुपये का पड़ा। और अगर आप भी परचेस करना चाहते हो तो आप किसी अदर साइट से परचेस करो, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पर आपको 22-23 रुपये मिल जाएगा। और इसको अगर आप परचेस करना तो काफ़ी देख के परचेस करना, बिकॉज़ ऐसे काफ़ी सारे डुप्लीकेट भी मार्केट में आते हैं और कई बार सेलर्स क्या करते हैं कि आपको डुप्लीकेट भेज देते हैं, ओरिजिनल रेट पे डुप्लीकेट नेकबैंड भेज देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आप जब भी ऑर्डर करो, ऑर्डर रिसीव करो, तो आप डब्बे को देख लो पहले, ऐसा मोटा सा रहेगा डब्बा एक। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।